डॉक्टर मंसूर हसन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में था। मैं महर्षि महेश योगी से मिला, इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल उन्होंने मेरा, कितनी दफ़ा दिल्ली बुलाया और मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुझे हार्ट डिज़ीज़ और एंग्जाइटी के ऊपर हुआ। फिर मैं, उन्होंने मुझे ऋषिकेश, मैं वहाँ गया, उनके आश्रम में रहा। उनका डॉक्टर साहब, आप कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज पढ़िए, मगर ये मैं कुछ आपको मेडिटेशन की चीज़ें समझाता हूँ, आप ज़रा इस पर गौर कीजिए और इसको करिए। और मैं उनके पास रहा, उन्होंने मुझे मंत्र दिया और प्राणायाम भी सिखाया। और फिर उनका डॉक्टर साहब, अगर आप इसको करते रहेंगे तो फिर वो कुंडलिनी की जागृति हो जाएगी। अब आप सोचिए, मैं अपने धर्म से कोई नहीं हटाऊँ, मगर एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब कैफियत पैदा कर दी। और मुझे इसका एहसास हुआ कि कितना बड़ा रोल कन्फ्लिक्ट, एंग्जाइटी, टेंशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्यों हम हैं, हु आर वी, वेयर डू वी कम फ्रॉम, वेयर आर वी गोइंग, इन बुनियादी सवालों को अगर हम नहीं समझे, हुजूर आला, हम भटकते रह जाएंगे। कितनी खूबसूरती से महर्षि जी ने मुझे ये बातें बताई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये मज़हब छोड़ दो या ये मज़हब इख्तियार कर लो। कोई उनका बेटे भैया, ये तो बुनियाद है ज़िंदगी की। और मैंने जब भी पढ़ा उनकी बातों को और समझा, मैंने मेडिटेशन सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह, बाय गॉड्स ग्रेस, आज सन 73 से लेके आज मैं 2020 तक बैठा हूँ। और अपने को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और ये दिमाग दिया कि मैं इन बुज़ुर्ग की इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एज आई लर्नड इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक ऑफ कमर्शियल थिंग्स एंड अदर थिंग्स, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।